क्लियर। एस्कॉर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन रूट टू द प्रेसिडेंशियल पैलेस। अभी लंदन के मेयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं। I'm extremely sorry, Mr. Prime Minister. This should never have been allowed to happen in our country. It's all right. It could have happened anywhere. Mm-hmm. I don't know how you remain so calm. It's quite simple. I'm not dead. Well, I don't want to take much of your time. Good day. Kadir, आओ। सर, कदीर वन, सीनियर ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस। वी आर बैचमेट्स। बैठिए। यस सर। कई असाइनमेंट्स के लिए पाकिस्तान में 5 साल अंडरकवर ऑफिसर रहे। चश्मा टाउन में न्यूक्लियर वेपन तैयार करने वाले एक प्लांट को दुनिया की नजरों से छुपाकर चला रहे थे, जिसे एविडेंस के साथ एक्सपोज करने के लिए वहाँ के सलून में 6 महीने काम किया। वहाँ आने वाले साइंटिस्ट के हेयर को कट करके सैंपल्स कलेक्ट करके फलों की दुकान चलाने वाले हमारे एजेंट के जरिए इंडिया भेजा था। ये अच्छा फल ले लो इसको। शुक्रिया। जब हमारे लैब में उनका टेस्ट किया गया तो उसमें प्लूटोनियम 239 की मौजूदगी पाई गई सर। प्लूटोनियम 239 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के किसी डबल एजेंट के लीक करने की वजह से कदीर और हमारी बाकी टीम को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। अभी टॉर्चर करने के बाद भी, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहां से ये भाग कर इंडिया वापस आ गए। ग्रेट, यू ऑल आर द रियल हीरोज। लेकिन पब्लिक में आपकी तारीफ भी नहीं की जा सकती, ऐसी सर्विस है ये। सब सीक्रेट ऑपरेशंस हैं सर, तो तारीफ भी सीक्रेटली ही मिलती है। इट्स ऑल फॉर द नेशन सर। अभी बताया इन्होंने कि कुड़ई करे में मिलिट्री गोडाउन को उड़ाने वाला ऑपरेशन भी तुमने ही पूरा किया था, लेकिन तुम्हें पता है वो ऑपरेशन क्यों हुआ था? नो सर, ना हमें रीजंस बताए जाते हैं, ना हम वो पूछते हैं सर। कुड़ई करई में आपने केमिकल वेपन्स खत्म किए थे। जब पड़ोसी देश के साथ किसी का युद्ध होगा तब उस देश की मिलिट्री की हेल्प करने के लिए कुछ हथियारों के साथ साथ चुपचाप से ये केमिकल वेपन्स भी भेजने के लिए तैयार रखे गए थे। इट सेकंड्स यूएन आर्म्स ट्रीटी। इट्स एब्सोल्युटली एन इलीगल स्कैम। ये काम जिसने भी किया, इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए, उसे और कितने दिन छुपा कर रखते हैं? यू डिड एब्सोल्युटली राइट। वहां क्या है वो जाने बिना सिक्योरिटी कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचाया है। केमिकल वेपन शहर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसे साइक्लोन ने मोड़ दिया। पिछले सरकार ने जो गलती की उसके प्रायश्चित के तौर पर हमें इस काम को अंजाम देना पड़ा। यू आर अ गुड एक्टर कदीरवन। सब बात जानते हुए अनजान बनते हुए ये नाटक कर रहे हो ना सर। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। लीगली रॉन्ग बट एथिकली राइट, है ना? दुर्योधन ने तीर कमान पकड़ा तो अधर्म, और अगर उसे अर्जुन ने पकड़ा तो वो धर्म कहलाता है। यू हैव मेड माई डे, आई लाइक यू यंग मैन। जोसेफ सर, इन्हें अगर मेरे पास ही रहना हो तो क्या करना होगा? सिंपल सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलीव करवाकर एसपीजी में डिप्यूट करना होगा। हाँ तो करवा दो। ओके सर। हे बड़ी, स्टेप आउट, लेट मी ड्राइव द कार। सर, थैंक्स मैन, यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्राइव हियर सर। हाँ मैं जानता हूँ, बट आई हैव अ डेट, प्लीज। अरे मुझे स्टैंड अप प्रोटोकॉल सर। नहीं यार, कम ऑन सर, डोंट वरी सर, आई विल बी फायर्ड सर। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर, प्लीज। यार तुम भी ना। गाइस फॉलो द कार। अंजलि कहाँ जा रही हो? एक मिनट, मैं अभी आई। His face is covered by the flag. Yeah. Excuse me. सर जो टेरिस बचकर भागा था वो टाउन की तरफ जा रहा है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो एक्सप्रेस रिपोर्टर सर। मैंने कंप्लेंट की थी ना। किसे फोन करूँ सर? नो, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। टावर ब्रिज के नीचे मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, तुरंत फोर्स भिजवाइए प्लीज। ओके, भेजता हूँ। वॉच योरसेल्फ मैन। हाँ बोल जोसेफ। एक लीड मिला था, एक ने सीसीटीवी फिक्स किया था, देयर वाज अ गाय विद अ लॉन्ग हेयर। मैं उसे फॉलो कर रहा था लेकिन एक लड़की ने सब बर्बाद कर। उस लड़की को छोड़ो, उन लोगों को देखो। तुम कहीं भागना नहीं हो, पुलिस आने वाली है, तुम्हें पकड़वाना है। सॉरी। ए, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? तुमने मेरी गर्दन पकड़ी है। हाथ उठा। ए, मेरे बेडरूम में कैसे आ गए तुम? यही किस्मत है मेरी,
शांति से लेडी रहो। क्या कहा? मैं लेडी रहूं? ए, टेररिस्ट! क्या कर रही हो? डोंट टच मी! चाकू मत उठाओ। छोड़। डोंट बिलीव इट दैट। दूर रहो मुझसे। अरे लग जाएगा। छोड़ो मुझे। अंजलि। दूर रहो मुझसे। हाथ कट लेगा। अरे मुझे दो ना। चाकू से चोट लग जाएगी। छोड़ो मुझे। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी। नीचे कांच का टेबल है। अंजलि, मुझे बहुत नींद आ रही है। ए, कहाँ है तू? अंजलि के रूम में। हाँ? दो मिनट रुको, सांस फूल रही है। अरे बाप रे, क्या किया तूने उसके साथ? ए, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरी हालत खराब की है। बस चार राउंड मारे हैं। क्या, चार राउंड? ए, किससे बात कर रहे हो तुम? चल यार, वो बहुत गुस्सा कर रही है। मतलब पांचवा राउंड भी? पांचवे राउंड के लिए दारू कहाँ है यार? क्या? मैं बाद में फोन करता। पुलिस आ गई क्या? आएगी, बस वेट करो, तुम्हें पकड़ कर उन्हें देना है। हेलो मैडम, टाइम इज 4:30 ऑलरेडी, वी आर लेट मैडम। अगले 10 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंचना है। ओह गॉड, ओके मैं रेडी होकर आती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। Thanks for the memorable night. No! Hey, हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी का मैटर बता ना। हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी? हाँ। वो कौन है यार? तुम्हारी वाली थी, तुम ही बताओ। अरे वो सर, तो हाँ? आप इससे बात कर रहे हैं सर? आपको बताओ ये कौन है? क्रिमिनल? अंजलि, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, अगर ये ना होते तो पापा मर जाते। आप लंदन में किसी बार में गए थे क्या? हैंगओवर अभी उतरा नहीं है। हमें पता चला अंजलि, वाइन में ही इतना हंगामा। ओह माय गॉड, और क्या बताया? सिर्फ बार की बात बताइए, रूम की बात नहीं बोली। बाकी बातें हम फ्लाइट में करेंगे। कम, लेट्स गो। अच्छा, ओके ओके। हेलो, और बताओ, तुम चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं। प्लीज एक बात बताओ, रूम में कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ नहीं मतलब? आई मीन वो मतलब क्या? थैंक्स फॉर द मेमोरेबल नाइट लिखा था, ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच? देखो, मैंने भी तुम्हारे साथ दारू पी थी ना, मैं भी थोड़ा सा ब्लैंक हूं। अगर कुछ हुआ भी होगा तो बाद में पता लगा लेंगे। पर कैसे? मैडम, मैडम, और सेक्रेटरी चेक दिस साइड। फ्लाइट इज सिक्योर, यू कैन प्रोसीड। ओके सर।